लोगों में ईमानदारी अभी भी जिंदा है और इसी की मिसाल पेश की है तेजदान चारण ने। जी हां, तेजदान को बाड़मेर में सोने चांदी के आभूषणों से भरी एक थैली बरामद हुई, जिसको असली मालिक तक पहुंचाने के मकसद से तेजदान थैली लेकर पुलिस थाने पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा को अपनी सारी बात बताई, जिसके बाद डोगरा ने संपर्क करते हुए असली मालिक को थाने में बुलवाकर थैली उसको सौंपी और थैली में 5 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आभूषण थे। कि अभी मैं उस महिला से मिली और जैसे कि कल ये आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चल रहा था मीडिया के, तो उस दिन भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इस तरह का भी कोई व्यक्ति है जिसको ये अनजान बैग मिला और उसने देखा इसमें गहने हैं और उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए ये चला। और आज वो महिला भी आई थी, ईमानदारी का परिचय देने का मामला है जो आज के कलयुग में दिखता नहीं है। और मैं ये देता जी को खूब सराहना देती हूँ और आगे उनको प्रेरित करूँगी कि इस तरह के अच्छे काम वो करते हैं। ये बैग मुझे कच्चे की रोड पर मिला था और जब बैग मैं ऑफिस चलाकर ऑफिस में बैग खोला, उसके अंदर कुछ बच्चों के कपड़े थे, लेडीज कपड़े, और एक लोहे की पेटी थी छोटा, उसके अंदर कुछ सोने और चांदी के आभूषण थे। मैंने फिर मेरे परम मित्र भी है वरिष्ठ पत्रकार है काड़ू माड़ी, उनको फ़ोन करना उचित समझा, तो उन्होंने कहा कि ये बैग आप अपने पास रखो, मैं सोशल मीडिया पे देता हूँ, कोई इसका आएगा तो अपन दे देंगे, नहीं दिया एसपी मैडम को केस कर देंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।